गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं कक्षा छह के पाठ्य पुस्तक हिंदी की एक कविता के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कविता है माँ कह एक कहानी, जिसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। श्री मैथिली शरण गुप्त इस कविता में एक कहानी के रूप में एक घटना को प्रस्तुत करते हैं। अब वह घटना क्या है? वह घटना है गौतम बुद्ध बचपन में अपने एक बगीचे में घूमा करते थे और उस बगीचे में एक हंस गिरकर आता है। उस हंस को वे बचाते हैं, उसी के बारे में यहाँ कविता के रूप में इसको प्रस्तुत किए हैं। इस कविता में माता यशोधरा अपने पति गौतम बुद्ध के बचपन की घटना को अपने पुत्र राहुल को कहानी के रूप में बताती है। तो आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या कहता है राहुल, कैसे जिद करता है अपनी माँ को कविता बताने के लिए। राहुल कहता है, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। कविता में यहाँ पर राहुल, गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल, अपनी माँ से राजा या रानी की कहानी बताने के लिए जिद करता है। तब माँ कहती है, तू है हट्टी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तब माँ अपने बेटे से कहती है, यहाँ हट्टी का मतलब है जिद करना, उपवन का मतलब है बगीचा, भ्रमण का मतलब है घूमना और सुरभि का मतलब है खुशबू। तो माँ कहती है कि बेटा, यदि तू जिद करता है तो सुन, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की एक बचपन की घटना सुनाती हूँ। और सुनाते हुए माँ कहती है, उस घटना को सुनाते हुए माँ कहती है कि तुम्हारे पिता, तात का अर्थ होता है पिता, तुम्हारे पिता बड़े सवेरे बगीचे में उठकर घूमा करते थे, जहाँ का वातावरण बहुत ही खुशबू से भरा हुआ सुहावना होता था। इतना सुनने के बाद राहुल कहता है, वहाँ का बगीचा का सुहाना मौसम था, खुशबू भरा मौसम था, हाँ हाँ माँ तो मुझे यही कहानी बताओ। कहता है, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। कहता है राहुल कि सुर भी यानी कि खुशबू से भरा हुआ बगीचा वातावरण, हाँ हाँ माँ तो मुझे यही कहानी बताओ। फिर आगे पद में माँ कहानी को आगे बढ़ाती हुई कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले हिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। माँ कहानी को आगे बढ़ाती हुई बताती हैं कि उस बगीचे में, उपवन में, वर्ण का मतलब होता है रंग बिरंगे, वर्ण वर्ण रंग बिरंगे, हिम बिंदु का अर्थ है यहाँ पर ओस की बूंदे, और लहराता था यानी कि पानी, पानी का लहराना। तो यहाँ कवि बताते हैं यशोधरा के माध्यम से, यशोधरा अपने बेटे से कहती है, उस बगीचे के वर्णन कर, उस बगीचा का वर्णन करती हुई कहती है कि उस बगीचे में रंग बिरंगे क्या खिले थे, फूल खिले थे। कहानी को आगे बढ़ाती हुई कहती है कि उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और पौधों पर ओस की बूंदे झकमक कर रही थी, झिलमिला रहे थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और पौधों पर ओस की बूंदे झिलमिला रही थी, और वहाँ एक तालाब था, उस तालाब का पानी हवा के हल्के झोंके से क्या हो रहा था, लहरा रहा था। माँ कहती है कि उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और पौधों पर ओस की बूंदे झिलमिला रही थी, और वहाँ तालाब में हवा के हल्के हल्के
से पानी लहरा रहा था, हिल रहा था। इतना सुनने पर राहुल फिर कहता है कि लहरा रहा था पानी, यानी कि उस तालाब में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुना। तब फिर माँ आगे कविता में कहानी को आगे बढ़ाती भी करती हैं कि गाते थे खर सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर घर्षण से। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। तब तीसरे पद में कहानी को आगे बढ़ाती हुई यशोधरा कहती हैं अपने पुत्र से कि उस बगीचे में खग का अर्थ होता है पक्षी, सुमधुर का अर्थ है मीठे स्वर में, और विद का मतलब है घायल होकर, और खर का मतलब है तेज धार वाला, और शर का मतलब है तीर या बाण। तो यहाँ कहानी को आगे बढ़ाती हुई माँ कहती है कि उस बगीचे में पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, चहचहा रहे थे। उस बगीचे में पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे, गा रहे थे, और अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर, किससे, तेज धार वाले तीर से घायल होकर नीचे गिर गया। कहानी को बताती हुई कहती है कि बगीचे में पक्षी सुमधुर आवाज में, मधुर आवाज में चहचहा रहे थे, गा रहे थे, और तभी अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर, किस चीज से घायल होकर, तेज धार वाले तीर से घायल होकर नीचे गिर गई। इतना सुनने के बाद राहुल कहता है पक्षी की हानि, और पक्षी को हानि पहुंचा, तो पक्षी को हानि पहुंचा तो राहुल कहता है कि हुई पक्षी की हानि, हानि को हानि हुआ पक्षी को। तब यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है, यह तो बहुत दया से भरी हुई कहानी है, करुणापूर्ण कहानी है। राहुल कहता है माँ यह तो बहुत करुणापूर्ण कहानी है। तब फिर माँ आगे कहानी को बढ़ाती भी करती है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। इस पद में कहानी को आगे बढ़ाती हुई माँ कहती है कि जब वो पक्षी को हानि पहुंची, घायल होकर नीचे गिरा, तो चौंक कर तुम्हारे पिता ने उस पक्षी को उठाया। जब पक्षी को तुम्हारे पिता ने चौंक कर उठाया, तब उस पक्षी को ऐसा लगा, हंस को ऐसा लगा मानो उसे नया जीवन मिल गया है। उस पक्षी को उठाने पर हंस को ऐसा लगा मानो उसे नया जीवन मिल गया है। इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मान। इतने में पक्षी को उठाने पर कौन आया, शिकारी। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, और सिद्धि का मतलब होता है सफलता। इतने में वहाँ पर शिकारी अपने लक्ष्य की सफलता को प्रसन्न होकर के वहाँ पर पहुँचा। अपने लक्ष्य पर सफलता पाने के खुशी में वह उस पक्षी के पास पहुँचा जहाँ वह गिरा था, है ना। इतने में आखेटक यानी कि वह शिकारी उस घायल पक्षी के पास, जहाँ उसने लक्ष्य किया था और वह पक्षी गिर गई थी, तो उस पक्षी के पास वह अपनी सफलता को लेकर आया ना, अपनी सफलता से प्रसन्न होकर के वहाँ पहुँचा। इतना सुनने के बाद वह राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। इस लक्ष्य पर उसे सफलता हुई तो उससे उस पर प्रसन्नता हुई, यह तो बहुत ही कोमल और कठिन कहानी, कठिन परिस्थिति वाली कहानी। घायल हुए पक्षी पर वह प्रसन्न हो रहा है, यह तो बहुत ही कोमल और कठिन परिस्थिति वाली कहानी है माँ। तो बच्चों, आज के लिए हम इस कविता में इतना पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके अगले भाग को बताऊंगी।